धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो। दीन दुखी का वो है सहारा, भटके हुओं को राह बताता। दीन दुखी का वो है सहारा, भटके हुओं को राह बताता। सीधे मार्ग में उन्हें चलाता, सीधे मार्ग में उन्हें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो उसे अपना आधार, मानो उसे अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने हमको ये सामर्थ्य दी कि हम प्रभु की महिमा में दो गीतों को गा पाए हैं। प्रभु को ये पसंद आए, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। हे पिता, हम इस समय फिर आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी। अब जब हम वचन को पढ़ने जा रहे हैं प्रभु जी, आप मुझसे और जो लोग भी सुने अभी और बाद में, उन सब से बात करें प्रभु जी। और होने दे पिता कि इस वचन के को हम सुनने वाले ना हो, बल्कि इस पर चलने वाले भी हों प्रभु जी। हम पुनः अपने आप को प्रभु जी पवित्र आत्मा परमेश्वर के कंट्रोल में देते हैं प्रभु जी। हम जो कुछ भी बोलें वो हम नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम बोलें पिता। हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि अब हम वचन पढ़ने जा रहे हैं। परमेश्वर का जीवित, परमेश्वर का ये जीवित वचन है, जिंदा कलाम है ये। आज हम भजन 38, भजन संगीता 38 पर ध्यान देंगे, जो कि एक रोगी मनुष्य की प्रार्थना है। एक रोगी बीमार आदमी की ये प्रार्थना है। और वो प्रार्थना कौन कर रहा है? ये भजनकार दाऊद, राजा दाऊद लिख रहा है। भजन 38 उसका पहला पद, ये 1-22 तक है। हे यहोवा, क्रोध में आकर मुझे झिड़क न दे, और न जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ना कर। क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं,
और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूं। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं है, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया है और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरी मूढ़ता के कारण कोढ़ से लगे मेरे घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ। दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। प्रेज द लॉर्ड सबनम दीदी, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ। दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं। मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ। मैं अपने मन की घबराहट से कराहता हूँ। हे प्रभु अपनी सारी अभिलाषा, हे प्रभु मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है और मेरा कराहना तुझसे छिपा नहीं। मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है और मेरी आँखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए और मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए हैं। मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरी हानि का यत्न करने वाले दुष्टता की बातें बोलते हैं और दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं, परंतु मैं बहरे के समान सुनता ही नहीं और मैं गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता। वरन मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हूँ जो कुछ नहीं सुनता और जिसके मुख से विवाद की कोई बात नहीं निकलती। परंतु हे यहोवा, मैंने तुझ ही पर अपनी आशा लगाई है। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा, क्योंकि मैंने कहा ऐसा न हो कि वे मुझ पर आनंद करें। जब मेरा पांव फिसल जाता है तब वे मुझ पर अपनी बड़ाई मारते हैं, क्योंकि मैं तो अब गिरने ही पर हूं और मेरा शोक निरंतर मेरे सामने है। इसलिए मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा, परंतु मेरे शत्रु फुर्तीले और सामर्थी हैं और मेरे बैरी बहुत हो गए हैं। जो भलाई के बदले में बुराई करते हैं वे भी भलाई के पीछे चलने के कारण मेरा विरोध करते हैं। हे यहोवा मुझे छोड़ न दे, हे मेरे परमेश्वर मुझसे दूर न हो। हे यहोवा हे मेरे उद्धारकर्ता मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। तो ये भजन संहिता 38 का 1 से 22 तक अभी हमने पढ़ा और ये एक रोगी मनुष्य की एक प्रार्थना है। एक ये प्रयासित कर रहा है अपना अपने कोई सिन किया है, कोई पाप किया है, कुछ हो गया है, उसको उसके लिए ये प्रयासित कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और ऐसे कुछ और भी भजन हैं जो कि पश्चाताप करने वाला ये भजन कह सकते हैं हम इसको। इसमें कुछ भजन है, भजन संहिता 6 है और भजन संहिता 51 है, 51 बहुत ही फेमस साम है ये 51। भजन संहिता 102, 130, 143,
भजन 38, ये कुछ साम ऐसे हैं जो पश्चाताप करने वाले साम हैं। तो खास तौर पे ये भजन संहिता 38 में भजनकार किसी रोग से ये पीड़ित है। रोग है क्या है इसमें कुछ लिखा नहीं है ये बात। तो इसमें जो पहला पद है भजन संहिता 38 का, जो पहला पद है स्टार्टिंग जो है, वो दाऊद, राजा दाऊद एक प्रार्थना कर रहा है। भजन संहिता 1:38 में, और फिर 2 से लेकर के 8 तक, 38:2 से लेकर के 8 तक वो अपनी हालत को बयां कर रहा है। 38:9 में वो फिर प्रभु से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है और मेरा कराना तुझसे छिपा नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि भजन संहिता 10 से लेकर के 14 तक राजा दाऊद फिर अपनी हालत को यहाँ पर बयां कर रहा है, और 38:15 में वो फिर प्रभु से प्रार्थना करता है। और फिर 16 से 20 तक हम देखते हैं वो फिर अपनी हालत को बता रहा है, और भजन संहिता 38:21 और 22 ये दो पद लास्ट में वो इस भजन संहिता 38:21 और 22 से वो प्रभु से प्रार्थना करके इस अध्याय को वो समाप्त करता है, जिसको हम क्लोजिंग प्रेयर भी कह सकते हैं, क्लोजिंग प्रेयर। तो इस तरह से इस भजन संहिता 38 को हम देख सकते हैं। इसमें जो 38 का जो पहला पद है, पहला वर्ष है, वो राजा दाऊद परमेश्वर से कहता है, हे यहोवा क्रोध में आकर मुझे झिड़क न दे और न जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ना कर। और यही सेम प्रेयर राजा दाऊद भजन संहिता 6:1 में कहता है। भजन संहिता 6 एक बहुत ही छोटा सा अध्याय है जिसमें मात्र 10 पद हैं एज कंपेयर टू साम 38। भजन संहिता 38 की तुलना में हम देखें, 38 में तो 1 से 22 तक पद हैं, वर्ष हैं, लेकिन भजन संहिता 6 में केवल 10 पद हैं। और ये पहला पद भजन संहिता 6:1 सेम है जैसे भजन संहिता 38 का पहला पद है, हे यहोवा, भजन 6:1, हे यहोवा तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। 38:1 में भी यही बात लिखी है, हे यहोवा क्रोध में आकर मुझे झिड़क न दे और न जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ना कर। तो ये क्रोध, परमेश्वर क्रोध में आकर के हमको दंड नहीं देता है, क्रोध में आकर के वो हमको कोई बीमारी ऐसा कुछ नहीं देता है, जैसा कि यहाँ पर भजनकार लिख रहा है। वो तो परम पिता है, परमेश्वर हमारा परम पिता परमेश्वर है। अब एक सामान्य जो सांसारिक पिता है वो अपने बच्चों को सही रास्ते पे लाने के लिए, शिक्षा देने के लिए कोई गलती करते हैं तो उनको ऐसा वो नहीं करता कि उनकी खोपड़ी फोड़ दे, ऐसा करता है क्या? कोई पिता ये नहीं करता कि अगर
लड़के ने चोरी की है या कुछ किया है बेटे ने, अब उनके बच्चों ने, तो उसका हाथ तोड़ दे, वो उसका पैर तोड़ दे, ऐसा कोई भी पिता नहीं करता है। तो जब सांसारिक पिता ऐसा नहीं करता है, तो जो सबका पिता परमेश्वर है, वो क्रोध में आकर के हमको क्यों बीमारी देगा? क्रोध, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है कि क्रोध मत करो। क्रोध तो करो, लेकिन पाप मत करो, ये है। अगर हम क्रोध नहीं करते हैं तो हम सामान्य व्यक्ति नहीं कहे जा सकते हैं। समाज में अगर कहीं कुछ गलत दिख रहा है, हो रहा है, तो हमारा क्रोध करना स्वाभाविक है, लेकिन हमको क्रोध में पाप नहीं करना है, ये बात लिखी हुई है यहाँ पर। तो इसी तरह से हमारा परमेश्वर भी क्रोध के कारण हमको दंड नहीं देता है, हमको सुधारने के लिए वो हमको ताड़ना देता है। और भजन संहिता 2 से 8 में वो अपनी हालत यहाँ बता रहा है, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूँ, तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं है। और ये सेम है जैसा कि भजन संहिता 6 के 2 में भी यही बात लिखी है, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ, हे यहोवा मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। और यहाँ पर भी वही बात लिखा है, तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं है और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं है। तो बहुत से लोग समझते हैं कि बीमार हो गया है, कोई बीमारी आ गई है शरीर में, तो ये उसके पाप के कारण है, बल्कि ये जबकि ऐसा नहीं है, पाप के कारण बीमारी नहीं है। हम नए नियम में भी देखते हैं, वहां पर यूहन्ना में है शायद, 1 मिनट, यूहन्ना, हाँ यूहन्ना 9 में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है और अंधा है, जन्म का अंधा है, और लोग यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि लोग रहे उसके चेले ही उससे पूछ रहे हैं, हे रब्बी किसने पाप किया था कि ये अंधा है, अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? तो वो जन्म का अंधा था, वो पाप के कारण नहीं हुआ। प्रभु यीशु उत्तर देते हैं, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो, परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जय मसीह की अनुपम भैया, जय मसीह की, जय मसीह की, अरुणा पीटर सिस्टर, जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे। तो तुरंत लोग इस निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि कोई बीमारी है तो ये कोई पाप किया होगा इसलिए ये बीमारी हो गई है, लेकिन हम देखते हैं कि बीमारी कोई रोग है तो वो पाप के कारण नहीं है। जो विश्वासी लोग हैं, प्रभु ने उनके पाप को क्षमा कर दिया है, तो अब बीमार क्यों हो गए? लोग बीमार क्यों हो गए? एक विश्वासी बीमार क्यों हो जाता है जबकि उसके पाप क्षमा हो गए हैं? तो बीमारी पाप के कारण नहीं है यहां पर, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया है और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरी मूढ़ता के कारण कोड़े से लगे मेरे घाव बसाते और सड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी हूं और झुक गया हूं,
दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं है। मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ। मैं अपने मन की घबराहट से कराहता हूँ। तो ये भजनकार यहाँ सोच रहा है कि ये जो बीमारी है, इसको रोग लगा है, वो उसके पाप के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इसलिए है कि प्रभु के काम उसमें प्रकट हो, जिससे प्रभु की महिमा हो। हम याद कर सकते हैं अय्यूब को। अय्यूब परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था, किसी मनुष्य की नहीं। अय्यूब परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था, अब फिर भी वो बीमार हुआ, बहुत बीमार हुआ। लेकिन फिर भी वो प्रभु से प्रेम करता है। तो हम बीमार हो रहे, कोई भी बीमारी हो जाए, फिर भी हमें क्या करना है? प्रभु से प्रेम रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि वो प्रभु है, क्योंकि वो परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर से हमें प्रेम करना है, क्योंकि वो परमेश्वर है। और नौवें पद में दाऊद, राजा दाऊद यहाँ पर फिर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है और मेरा कराना तुझसे छुपा नहीं है। मेरा कराना तुझसे छुपा नहीं है। परमेश्वर ने तो हमारे पाप को बिल्कुल भुला दिया, मिटा दिया। जैसे उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उतनी ही दूर परमेश्वर ने हमारे पाप को कर दिया है। और फिर हम इसमें आगे देखते हैं, 10 से लेके 14 तक में, 9वें में प्रार्थना करने के बाद 10 से 14 में वो फिर अपनी कुछ बातें, शिकायतें कर रहा है। मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है और मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। 11वें में, मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए और मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं तो जो हमारे मित्र हैं और संगी हैं, वो भी मुसीबत में हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं, वो भी दूर हो जाते हैं। पता नहीं ये हमारे हमसे हेल्प मांगने लगे, पैसा मांगने लगे, कुछ मदद मांगने लगे। और मेरे कुटुंबी, हमारे जो रिश्तेदार हैं, वो भी दूर हो जाते हैं। बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती हैं, तो कोई देखने नहीं आएगा, और देखने आएगा भी तो बहुत जल्दी वो जाना चाहेगा वहाँ से। आप कभी अस्पताल में विजिट करिए, जा करके देखिए, जैसे कैंसर वार्ड है, तरह तरह के लोग पड़े हुए हैं वहाँ पर, दुख में, मुसीबत में, परेशानी में, तकलीफ में कराह रहे हैं। हार्ट का कार्डियक वार्ड है, उसमें देखिए, नाक में नली लगी है, हैं, सब तरफ तार लगे हुए हैं शरीर में, सब जगह। ये सब देख करके, और देखिए अस्पताल में जाके देखते हैं कि वो एक्सीडेंट के केस हैं, आए हुए हैं, देख करके मन बड़ा विचलित हो जाता है। साइकोलॉजिकली हम वहाँ नहीं रहना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि हम भी वैसे ही हो जाएंगे अगर वहाँ रहेंगे तो। इसीलिए यहाँ भजनकार कह रहा है, मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए हैं। विपत्ति में कोई साथ नहीं देगा और मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए हैं। परमेश्वर के सिवा कोई पास नहीं रहेगा।
इवन बीवी बच्चे भी, पति पत्नी, पति जो भी है, बच्चे भी दूर हो जाएंगे। कुछ दिन तक तो सेवा करेंगे, फिर वो घबरा जाएंगे, ऊब जाएंगे, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो मरने, हमारे मृत्यु की प्रार्थना करने लगे कि इनको जल्दी अब छुटकारा दे दो। तो परमेश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि प्रभु हमको अस्पताल में भर्ती न करें, बस चलते फिरते ऐसे ही परमेश्वर का वचन प्रचार करते हुए, परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हुए, बस प्रभु हमको अपने पास बुला ले, हमको बिस्तर पे एड़ियां न रगड़नी पड़े, बिस्तर पे हमको काम सारा न करना पड़े, चलते फिरते बस काम करते करते प्रभु हमको उठा ले, हमको किसी से कोई सेवा लेने की जरूरत ना पड़े, बस यही एक प्रार्थना है प्रभु से हमारी। क्योंकि साफ लिखा है, मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए और मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए। साइकोलॉजिकली ऐसा ही होता है। और कुछ तो ऐसे हैं रिश्तेदार जो सोचते हैं कि बीमार हुआ जरूर इसके पाप के कारण, कुछ पाप किया होगा इसने ऐसा, इसलिए ऐसा ये बीमार हो गया, अस्पताल में भर्ती हो गया है। इसलिए बहुत से लोग अपने रिश्तेदारों को भी अपनी बीमारी नहीं बताते हैं, क्योंकि सब रिश्तेदार खुश नहीं होते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, क्रिस्टीना मसी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत से रिश्तेदार भी खुश हो जाते हैं हमारी बीमारी सुन करके। मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरी हानि का यत्न करने वाले दुष्टता की बातें बोलते हैं और दिन भर छल की युक्ति सोचते रहते हैं। मैं बहरे के समान सुनता ही नहीं और मैं गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता, वरन मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हूं जो कुछ नहीं सुनता और जिसके मुंह से विवाद की कोई बात नहीं निकलती है। 15वें पद में राजा दाऊद फिर प्रभु के पास आता है, प्रभु से फिर प्रार्थना कर रहा है वो, परंतु हे यहोवा, मैंने तुझी पर अपनी आशा लगाई है, हे प्रभु मेरे परमेश्वर तू ही उत्तर देगा। राजा दाऊद कह रहा है, परंतु हे यहोवा, मैंने तुझ ही पर अपनी आशा लगाई है। और जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो यहोवा की बाट जोहते हैं, वो कैसे होंगे? यशाया 40, हालेलुया, यशाया 40:31, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो यहोवा पर आशा रखते हैं, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो यहोवा का यहोवा के इंतजार में रहते हैं, वो कैसे होंगे? वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। लेकिन हम आज क्या करते हैं? हमको इंतजार नहीं है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रख पाए, इतना हमारे पास धीरज नहीं रहता है। कुछ भी होता है हम तुरंत डॉक्टर के पास दौड़े चले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि
कोई बीमारी हो तो आप डॉक्टर के पास मत जाइए। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, मेरा ये कहने का मतलब भी नहीं है कि जब कोई बीमारी हो तो आप दवा मत लें, अपना इलाज ना कराएं। अस्पताल, डॉक्टर, ये सब परमेश्वर ने बुद्धि दी है, इसलिए ये सब बने हैं। परमेश्वर ने ही बुद्धि दी वैज्ञानिकों को जो दवा बना सके वो, तो आप जा सकते हैं। परंतु हे यहोवा, मैंने तुझ ही पर अपनी आशा लगाई है। लेकिन हमको परमेश्वर पर ही भरोसा रखना है, हमको परमेश्वर पर ही विश्वास रखना है। और ये बुखार की दुष्ट आत्मा, कोई भी बीमारी की दुष्ट आत्मा आएगी, लेकिन जब देखेगी कि हमारा विश्वास, हमारा भरोसा किस पर है, डॉक्टर पर है कि परमेश्वर पर है, तो अगर डॉक्टर पे हमारा भरोसा है तो वो तो फिर डायबिटीज तो परमानेंट बन के ही रह जाएगी, और भी नई नई बीमारियां आ जाएंगी। ब्लड प्रेशर परमानेंट बन के रह जाएगा, परमानेंट वो घर का मेंबर ही हो जाएगा वो। लेकिन जब देखेंगे कि इसका भरोसा दवाई से ज्यादा प्रभु पर है, परमेश्वर पर है, तो वो बीमारी भाग जाएगी, वो बीमारी भाग जाएगी। तो परमेश्वर के पास जा करके ये नहीं कहना है कि प्रभु यह तेरी इच्छा हो तो तू मुझको चंगा कर दे, नहीं, परमेश्वर से कहना है कि प्रभु मुझको चंगाई दे। ये परमेश्वर चाहता है कि हम बीमार ना हो, परमेश्वर चाहता है कि हम स्वस्थ रहें, जिससे कि हम प्रभु की महिमा करने पाए। जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और जब परमेश्वर पर उसका भरोसा कम होने लगता है, तब वो डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, उदासी छा जाती है उसके ऊपर, मन पे, दिल पे, दिमाग पर। लेकिन जो प्रभु पे भरोसा रखता है, तो वो फिर कितना बीमार हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा प्रभु की स्तुति करता रहेगा। और लास्ट में क्या होगा, जैसे अय्यूब को दुगनी आशीष दी प्रभु ने, वैसे दुगनी आशीष मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 15वें पद में लिखता है, परंतु हे यहोवा, मैंने तुझी पर अपनी आशा लगाई है। लोग इंतजार नहीं करते हैं, कांट वेट। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा। अब 16 से लेकर के 20 तक वो फिर राजा दाऊद फिर पुनः अपनी कंप्लेन यहां पर दर्ज कर रहा है 16वें पद में, क्योंकि मैंने कहा ऐसा ना हो कि वे मुझ पर आनंद करें, जब मेरा पांव फिसल जाता है तब वे मुझ पर बड़ाई मारते हैं, क्योंकि मैं तो अब गिरने ही पर हूं और मेरा शोक निरंतर मेरे सामने है। इसलिए मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा। तो अगर कोई पाप हो गया है तो वो परमेश्वर के सामने उसको हमको मान लेना है। बात यह है कि हम परमेश्वर के सामने अपने पाप को नहीं मानते, इसलिए हम परेशान हो रहते हैं। यहां पर राजा दाऊद कह रहा है 18वें पद में, क्योंकि इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा, अपने पापों को ये मान रहा है, कन्फेस कर रहा है अपने सिन को, किसी मनुष्य के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने, और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। जैसे याकूब के 5वें अध्याय में लिखा हुआ है कि अपने पाप को मान लो और विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगे हो जाएंगे। याकूब 5:15-16 में ये बातें लिखी हुई हैं, पढ़ लेते हैं। विश्वास की प्रार्थना, याकूब 5:15 में,
विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। अब प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। इसलिए और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। चंगाई ही केवल चंगाई ही नहीं मिलेगी, पापों से क्षमा भी मिलेगी। इसलिए अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे कि तुम चंगे हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से हमको चंगाई मांगनी है कि प्रभु तू मुझको चंगा कर। हमने जो भी गलती की है, जो भी पाप किए हैं, उनको प्रभु के सामने हमको अंगीकार करना है, ग्रहण करना है, मानना है, प्रयासचित करना है उसके लिए। और जो विश्वासी लोग हैं, जो प्रयासचित कर लिए हैं, रॉबिन मसी वांट्स टू ज्वाइन यू ऑन वीडियो। मुझको पता नहीं है कैसे होता है, सॉरी, क्या करें इसको। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 18 पे थे हम। इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने आप और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। फिर कहता है 19 में, परंतु मेरे शत्रु फुर्तीले और सामर्थी हैं और मेरे बैरी बहुत हो गए हैं। शत्रु फुर्तीले हैं, सामर्थी हैं और मेरे बैरी बहुत हो गए हैं। हो जाए, बहुत हैं, हो जाए, बने रहे। अगर परमेश्वर मेरी तरफ है तो हम मेजॉरिटी में हैं। हमारे शत्रु, हमारे बैरी मेजॉरिटी में नहीं है। अगर परमेश्वर हमारी तरफ है तो मेरा बैरी, मेरा शत्रु कौन हो सकता है? मेरा नुकसान करने वाला कौन हो सकता है? अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। 20वां, जो भलाई के बदले में बुराई करते हैं, वो भला, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम उनके लिए भला करें तो भी वो हमारे लिए बुरा ही बुरा सोचते रहते हैं। मैंने अपने बहुत से लोगों की हेल्प की, जब वो लोगों ने अपने लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स मेरे सामने रखी, तो ये भलाई की मैंने उनके लिए, और इसके बदले वो मेरी बुराई ही करते हैं कि अरे ये तो यीशू वाले हैं, कुछ भी हुआ, हाँ बहुत अच्छा किए, ये किए, वो किए, लेकिन लास्ट में अरे तुम तो यीशू वाले हो। तो हम यीशू वाले हैं तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भलाई के बदले बुराई करते हैं, वे भी भलाई के पीछे चलने के कारण मेरा विरोध करते रहे विरोध, कोई बात नहीं। परमेश्वर हमारी तरफ है तो हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं। 21 और 22 में राजा दाऊद फिर यहाँ प्रार्थना करता है और इस प्रार्थना के साथ इस अध्याय को, अपनी इस प्रेयर को वो समाप्त करता है। प्रेयर के साथ उसने शुरू किया, फिर अपनी कुछ कंप्लेन दर्ज की, फिर प्रेयर किया, फिर कंप्लेन की, फिर प्रेयर किया, फिर कंप्लेन की, और लास्ट में ये फिर प्रार्थना कर रहा है, हे यहोवा मुझे छोड़ ना दे। बस यही प्रार्थना है कि हे यहोवा तू मुझे छोड़ मत दे, हे मेरे परमेश्वर मुझसे दूर ना हो। तो जो एक बार विश्वास कर लेते हैं यीशु मसीह पर, तो परमेश्वर उनके दिल में आ जाता है, हम परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हे यहोवा, हे मेरे उद्धारकर्ता, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। तो इस तरह से ये भजन 38 हम देखते हैं कि ये जो एक रोगी मनुष्य की, ये जो बीमारी व्यक्ति की ये प्रार्थना है,
तो अगर इस तरह से हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमको चंगाई दे, प्रभु हमें चंगा कर, तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और गवाही है कि प्रभु हमको उस रोग से मुक्त कर देता है, उस रोग से हमको चंगा कर देता है बहुत ही अद्भुत तरीके से। जैसे यूहन्ना के 9वें अध्याय में हमने अभी देखा था, उस जन्म के अंधे को आंखें दी दी, लंगड़े को चलने का सामर्थ्य दे दिया, कोढ़ी को चंगा कर दिया। उस समय कोढ़ की कोई दवा नहीं थी, आज तो दवा है, इलाज है, सब है, लेकिन उस समय नहीं थी। अब प्रभु ने उन कोढ़ियों को भी चंगा किया। ये उस समय का सबसे बड़ा परमेश्वर का जो आश्चर्य कर्म था। और सबसे बड़ा तो वो हुआ जब प्रभु ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, लाजर को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम हर समय प्रभु की स्तुति करते रहें, उसकी स्तुति करते रहें, उसको धन्यवाद देते रहें हर समय प्रभु को। प्रभु, कोई बीमारी आएगी, चली जाएगी, भाग जाएगी। तो इस तरह से प्रार्थना नहीं करनी है। पहले हम ऐसे प्रार्थना करते थे, हे प्रभु तेरी इच्छा हो तो ये बीमारी हमसे दूर हो जाए। प्रभु की तो इच्छा है कि हम बीमार ना हो, हम चंगे रहें, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है। तो क्या परमेश्वर बीमार रहता है क्या? परमेश्वर को क्या डायबिटीज होता है, कोई ब्लड प्रेशर होता है? परमेश्वर को कोई बीमारी नहीं होती है। जब परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया है तो हम बीमार क्यों हो गए? हम बीमार क्यों हो गए? हम बहुत धर्मी हैं, सब बात है, फिर भी हम बीमार हो गए। यदि हम फिर भी बीमार हो गए अय्यूब की तरह, तो इसलिए कि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर अपना काम वहां प्रकट करना चाहता है। मुझको भी कोरोना हुआ, उस कोरोना से क्या हुआ? परमेश्वर की महिमा हुई, परमेश्वर की स्तुति हुई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हुआ कि कोरोना में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो गए। अब मैं अपने घर में भी नहीं रहता था, सामने एक मकान खाली था उसमें रहता था अकेले। तो पूरा फुल समय मिला था परमेश्वर के वचन के साथ हमको समय बिताने के लिए। और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हमको प्रभु चंगा कर दे। अब बड़े आश्चर्यजनक अद्भुत तरीके से प्रभु ने हमारा बीपी भी खत्म कर दिया कोरोना के साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब वो एक और बीमारी हो रही थी, पता नहीं क्या नाम है, वो याद नहीं आ रहा है इस समय, वो भी शुरुआत हो गई थी, थायराइड। हाँ, थायराइड की बीमारी भी की शुरुआत हो गई थी, वो भी प्रभु ने ठीक कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु चंगाई देता है। और यही नहीं, याकूब में जैसे हमने अभी पढ़ा, हमारे पापों से वो हमको क्षमा भी करता है, हमको उद्धार देता है, अनंत जीवन का वरदान देता है वो हमको। बस क्या करना है कि हमको प्रभु के साथ लगे रहना है, प्रभु की संगति में हमको हर समय चलते रहना है। अपनी अभिलाषा, अपने सारे पापों को हमें प्रभु के सामने मान लेना है, बस यही एक शर्त है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद,
ईशु क्रिस्तु ईशु का धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता आज के इस सुंदर वचन के लिए प्यारे परमेश्वर, जो इस सायं बेला में आपने हमको दिया प्रभु जी, कि प्रभु जी अगर हमारी कोई बीमारी है तो वो हमारे पाप के कारण नहीं है, क्योंकि आपने हमारे पाप को पहले ही क्षमा कर दिया है। कोई अगर किसी बीमारी से पीड़ित है प्रभु जी, आप उसकी बीमारी को दूर करें प्यारे पिता, उसको चंगाई दें प्रभु, उनके पापों को क्षमा करें प्यारे पिता, जिससे हम सब आपके नाम की महिमा स्तुति बढ़ाई कर सकें प्यारे प्रभु जी। अस्पताल में जो लोग भर्ती हैं हार्ट अटैक के कारण, आप उनको चंगाई दें पिता। जो कैंसर से पीड़ित हैं प्रभु जी, आप उनको चंगाई दें प्रभु जी। जिनका एक्सीडेंट हो गया अस्पताल में भर्ती हैं प्रभु जी, आप उनके दुख दर्द को दूर करें प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं बुजुर्ग लोगों के लिए जिनके घुटनों में दर्द होता है प्रभु जी, आप उनके दर्द को दूर करें, उनको नई शक्ति दें, नया बल्ब दें प्रभु जी, जिससे हम सब आपकी नाम की स्तुति महिमा बढ़ाई कर सकें प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने होने दिया कि हम आगरा मसीही मंडली पेज पर प्रभु जी आज आपकी स्तुति आराधना कर पाए प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं इस पेज पर प्रभु जी आपकी आशीष हो। इस पेज के द्वारा जो भी लोग वचन को सुनते हैं प्रभु जी, उन सब को प्रभु जी आप आशीष दें, उनके परिवार पर आपकी आशीष हो प्यारे पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं अपने सभी जो लोग बोलते हैं वचन बांटते हैं प्रभु जी इस पेज के द्वारा, आप उन सब पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं अनुपम भैया के लिए, सपनम दीदी के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए प्रभु जी, उन सबको आप बहुत आशीष दें प्रभु जी, बहुत आशीष दें। हे पिता, हमारी इस प्रार्थना को सुने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीजस, हालेलुया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ऑनलाइन जुड़ने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। तो परमेश्वर ने चाहा तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। जय मसीह की, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड, हालेलुया।